क्वेश्चन नंबर 16 करेक्शन है, वहाँ पे क्या है सी पी माइनस सी वी का वैल्यू पूछा है, तो सी पी माइनस सी वी का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, वो रहता है कैपिटल आर, तो ए एंड बी आर इक्वल, तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, करेक्शन है यहाँ पे। देन क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा है, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट, तो काइनेटिक एनर्जी को के लिखा है और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखा है, एक्स लिखा है। तो अभी देखो मैंने क्या किया है, अभी जिनका भी ग्राफ निकालना है उनके बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर एंड डिस्प्लेसमेंट यस, इनके बीच में रिलेशन चाहिए, तो कौन सा इक्वेशन यूज़ किया है मैंने, ये वाला काइनेमेटिक्स का थर्ड, तो वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर है यू, इनिशियल वेलोसिटी दिया है वहाँ पे कितना है, जीरो है, प्लस टू इंटू ए एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, इंटू यस डिस्प्लेसमेंट को क्या एज्यूम किया है, क्या दिया है वहाँ पे एक्स, ठीक है। तो दोनों तरफ मैंने हाफ एम से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड हाफ एम यू स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी आता है, राइट हैंड साइड क्या होता है, हाफ का टू और टू ए एस का टू कैंसिल होता है और बचता क्या है एम ए इंटू एक्स। तो अभी ये इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, ये मैंने क्लासरूम जब लेक्चर्स अपने थे तब मैंने एक बार बताया था इसको कैसे करना है, अगर काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस पे है तो काइनेटिक एनर्जी को वाई लिखने का, तो काइनेटिक एनर्जी को मैंने क्या लिखा है यहाँ पे वाई लिखा है, नीचे देखो वाई और एम ए, ठीक है एम ए को एम ए लिखने का, लेकिन एक्स कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्स पे है इसलिए एक्स को एक्स ही लिखने का, तो वाई इज इक्वल टू एम ए इंटू एक्स प्लस जीरो, ऐसा इक्वेशन हो गया। तो ये किसके जैसे दिखता है, दिस लुक्स लाइक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप एम ए एंड हैविंग इंटरसेप्ट जीरो, तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो कौन सा ग्राफ करेक्ट है, स्ट्रेट लाइन वाला, ऑप्शन सी। 33 में क्या किया है, एक सर्कुलर ऐसा ऐसा सर्कुलर ऐसा सर्कुलर वायर है, उधर एक ऊपर उसके अंदर छोटा बीड है, सर्कुलर बीड है, वो उसमें उसके अंदर स्लिप होता है, जैसे नेकलेस के अंदर रहता है, नेकलेस के अंदर छोटा छोटा मोती रहता है, उसके उसके जैसा ये बीड है, और वो स्लाइड होते होते ए से बी तक आया, तो ए से बी तक आते वक्त क्या करता है वो, उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होता है, दैट मच पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो बेस किसको पकड़ा है मैंने, सी बी को बेस पकड़ा है, सी बी को बेस पकड़ा है इसलिए क्या हो जाएगा, बी का हाइट जीरो और ए का हाइट कितना हो जाएगा, आर माइनस आर कॉस थीटा, ज्योमेट्री लगा के तुम लोग निकालो, आर माइनस आर कॉस थीटा, बी का पोजीशन कितना है, थीटा पे है ए से, तो कैसा, ठीक है तो फॉर्मूला कैसा रहेगा, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी, तो ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, यहाँ पे लिखा है मैंने एम जी इंटू एच, एच कितना है आर माइनस आर कॉस थीटा, और बी पे काइनेटिक कितना है हाफ एम स्क्वायर, उसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है, ऑप्शन सी आता है। देन नेक्स्ट उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, वर्क फाइंड आउट करना है, तो वर्क कैसे फाइंड आउट किया उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है क्यू माइनस डेल्टा यू, अभी प्रोसेस दिया है कांस्टेंट प्रेशर वाला, तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्यू कितना रहता है, म्यू सी पी डेल्टा टी, तो म्यू सी पी डेल्टा टी लिखा, और डेल्टा यू ऑलवेज फिक्स रहता है वो, उसका तो फॉर्मूला म्यू सी वी डेल्टा टी, लेकिन यहाँ पे ऑलवेज म्यू क्या लेना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स लेना चाहिए, सी पी क्या लेना चाहिए, सी पी लेना चाहिए कैलोरीज पर मोल पर केल्विन लेना चाहिए, या फिर जूल्स पर मोल पर केल्विन लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सी पी और सी वी का वैल्यू पर के जी में दिया है, तो पर के जी दिया है इसलिए म्यू भी किस में लेना चाहिए, के जी में ही लेना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे पहले मोल लिया था लेकिन वो कैंसिल करके नीचे क्या लिया है 1 kg लिया, तो म्यू में म्यू भी के जी में लेना चाहिए, अगर सी पी और सी वी में सी वी भी पर किलोग्राम है, तो सी पी माइनस सी वी का जो वैल्यू है वो लिखा यहाँ पे, और डेल्टा डी भी लिखा 10 degrees Celsius है, तो डिग्री सेल्सियस कैंसिल, के जी जाता है, बचता क्या है कैलोरी, तो 10^4 आंसर आता है। देन
उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोलता है, पी वी इज कॉन्स्टेंट है और वो डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू वॉट, ऐसा पूछा है। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, अभी टी टाइम है, कुछ भी है चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी कैंसिल होने वाला है। तो पी वैसे के वैसा यू वी रूल यूज करने का, पी एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ वी कितना आएगा, डी वी अपॉन डी टी प्लस वी एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ पी डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू सी का डेरिवेटिव कितना, जीरो। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, डी टी डी टी कैंसिल होता है, तो आंसर क्या आता है, ऑप्शन बी। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टीन, क्वेश्चन नंबर थर्टीन में क्या होता है, बुलेट आता है, उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री, वेलोसिटी वी है, कोलाइड होने के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है हीट में और उस हीट में बुलेट मेल्ट होता है। तो एनर्जी बुलेट के पास कितना है, उतना हीटिंग के लिए यूज होता है, बुलेट के पास कितना है, हाफ एम यू स्क्वेयर। तो उसको कैलोरीज में कन्वर्ट करने के लिए नीचे जे से डिवाइड किया है, जे मतलब रहता है 4.182 कन्वर्जन फैक्टर है, तो हाफ एम यू स्क्वेयर अपॉन जे लेफ्ट हैंड साइड। इतना एनर्जी क्या हुआ, उतना एनर्जी फर्स्ट यूज हुआ टेम्परेचर बुलेट का इंक्रीज करने के लिए, किधर से किधर तक, 25 डिग्री से उसके मेल्टिंग पॉइंट तक, मतलब 475 तक। तो एम सी पी डेल्टा टी मतलब एम एस स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी प्लस और थोड़ा एनर्जी किसके लिए यूज हुआ, मेल्टिंग के लिए, तो मेल्टिंग के लिए क्या लगता है, लेटेंट, तो एम इंटू एल। तो ऑप्शन कौन सा है, देखो अभी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ऑप्शन जो भी दिया है वो करेक्ट है। ओके देन क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, डेल्टा यू फाइंड आउट करना है, कौन से प्रोसेस में, ए टू सी। अभी ए टू सी तुम एक स्टेप में जाओ, दो स्टेप में जाओ, 100 स्टेप्स में जाओ, डेल्टा यू तो सेम ही रहने वाला है। डेल्टा यू डिपेंड्स अपॉन दिस स्टेट नॉट पाथ, इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट डिपेंड्स अपॉन स्टेट। तो ए से सी तक कैसे भी जाओ, तो डायरेक्ट ए सी गया या फिर ए टू बी और बी टू सी गया तो भी डेल्टा यू सेम रहेगा। तो डेल्टा यू में यहाँ पे लिखा है डेल्टा यू ए सी कितना रहेगा, ए बी में डेल्टा यू प्लस डेल्टा यू इन बी सी, दोनों प्रोसेस का डेल्टा यू का समेशन इज डेल्टा यू इन ए सी, क्योंकि वो स्टेट प्रोसेस है सर, पाथ पे डिपेंड करेगा नहीं, किधर से भी जाओ चलता है। तो फर्स्ट मैंने ए बी का डेल्टा यू के लिए फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा है, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू के लिए क्या लिखा है, डेल्टा यू इज क्यू माइनस डब्ल्यू, तो क्यू तो दिया हुआ है 600 माइनस डब्ल्यू, वर्क कितना हुआ, अभी ए टू बी जाते वक्त वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है मतलब वर्क जीरो है, तो डेल्टा यू ए बी कितना है 600, ठीक है। तो एक मिल गया डेल्टा यू ए बी मिल गया इधर, अभी डेल्टा यू बी सी चाहिए। तो अभी बी सी प्रोसेस के लिए वापस से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लिखा, डेल्टा यू बी सी इज इक्वल टू कितना आता है, वापस क्यू माइनस डब्ल्यू, तो क्यू 200 है माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना, पी डेल्टा वी, पी तो दिया है अभी 8 × 10⁴, किधर का पी लेने का, बी टू सी प्रोसेस के लिए काम कर रहे हैं, तो बी का प्रेशर लो या फिर सी का, जो भी दिया है वो, तो 8 × 10⁴ माइनस वी सी वॉल्यूम एट सी माइनस वॉल्यूम एट बी, लेकिन सी पे वॉल्यूम दिया नहीं, सी पे और डी पे वॉल्यूम क्या है, सेम है, तो वी सी के लिए मैंने वी डी लिखा है और वी बी के लिए मैंने वी ए लिखा है। तो कैलकुलेट किया, उसके बाद माइनस 40 आता है, एडिशन करने के बाद 560 आता है आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 24 में क्या है, 24 में सी, 24 में ऑल सब वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है और कैलकुलेट क्या करना है, सी वी कैलकुलेट करना है। तो 80 है डेल्टा यू, इधर देखो डेल्टा यू 80 है, तो 80 इज इक्वल टू म्यू सी वी डेल्टा टी, तो म्यू कितना है 5 है, सी वी कितना है वही तो निकालना है, और डेल्टा डी कितना है 120 माइनस 100 20 है। तो फाइंड आउट करने के बाद 0.8 आता है जूल पर मोल पर केल्विन, लेकिन ऐसा 0.8 तो है ऑप्शन में, लेकिन ऐसा यूनिट ऑप्शन में है ही नहीं, मोल ऑप्शन में है ही नहीं नीचे, तो लेकिन पूछा गया है वो भी देखे थोड़ा, टोटल हीट कैपेसिटी, अभी टोटल हीट कैपेसिटी रहता है म्यू इंटू सी वी या फिर मास इंटू सी वी, यहाँ पे म्यू इंटू सी वी करना है।
तो म्यू कितना दिया है, 5 मोल्स इंटू सी वी कितना है अपना 0.8, तो 5 × 0.8 आता है 4। अभी 5 का यूनिट कितना है, मोल है, तो उसका मोल और 0.8 के नीचे जो मोल है वो कैंसिल हो गया, तो क्या आता है म्यू सी वी टोटल हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या आता है, 4 जूल्स पर केल्विन। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, रेड ग्लास अगर उसको हीट किया तो वो ब्लू बनता है, और ब्लू ग्लास को हीट किया तो वो रेड बनता है, क्यों ऐसा होता है। अभी देखो ब्लू ग्लास का मैं बोलता हूँ, ब्लू ग्लास क्या करता है, उसके ऊपर मैंने व्हाइट लाइट इंसिडेंट किया तो क्या करता है, वो ऑल कलर्स को एब्जॉर्ब करता है एक्सेप्ट ब्लू, तो इसलिए ब्लू रिफ्लेक्ट हो जाता है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 41 में बाद में बोलता हूँ, उसके पहले क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, देखो अभी वहां पे क्या फाइंड आउट करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करना है के, तो स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए कैसा, एफ इज इक्वल टू के एक्स, तो के का फॉर्मूला क्या आएगा, के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स, तो एफ एम जी अपॉन एक्स, तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में मैंने कैलकुलेट किया। तो अभी SI में फर्स्ट कैलकुलेट किया है, तो M कितना दिया है 1 किलोग्राम, तो 1 लिखा, G कितना है 10, अपॉन X कितना है एक्सटेंशन 0.1 मीटर, तो आता है 100 न्यूटन पर मीटर, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं। अब नेक्स्ट यूनिट में मैंने कैलकुलेट किया है, अभी M इंटू जी वो मतलब फोर्स है, फोर्स कितना दिया है 1 किलोग्राम फोर्स, तो अभी 1 किलोग्राम फोर्स लिखा, और नीचे कितना है एक्सटेंशन 0.1, वैसा किया तो आता है 10 किलोग्राम फोर्स पर मीटर। नेक्स्ट में क्या क्या है, सेंटीमीटर में लिया है, तो ऊपर फोर्स कितना 1 किलोग्राम फोर्स अपॉन, नीचे एक्सटेंशन कितना है 10 सेंटीमीटर, वैसा किया तो कितना आता है 0.1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर, तो ऑप्शन सी आता है। तो यहाँ पे नीचे क्या है, 1 किलोग्राम फोर्स मतलब क्या रहता है, 1 किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब 10 न्यूटन, ये याद रखो 1 किलोग्राम फोर्स इज 10 न्यूटन।